हेलो एवरीवन, हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें आती हैं और उनकी जब बॉटल्स खाली होती हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं बॉटल्स को यूज़ करके बनाते हैं एक मम्मा पेंगुइन और एक बच्चा पेंगुइन। तो इसके लिए हम एक बाउल में जेके सीमेंट वॉल पुट्टी की 3 से 4 चम्मच क्वांटिटी लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको तार की सहायता से मिक्स करेंगे, क्योंकि हम अगर इसमें पानी ज़्यादा कर देंगे तो इसकी एक टाइट डो तैयार नहीं हो पाएगी, और अगर टाइट डो तैयार नहीं होगी तो हमें काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हम इससे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा लूज लग रही है, यानी कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, तो हम इसमें थोड़ी सी वॉल पुट्टी और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे से इसका आटा गूंदना है। इसको इस तरीके से तब तक गूंदते रहना है जब तक कि इसमें एक स्मूथनेस ना आ जाए, और इसके साथ साथ ये आटा हमारे हाथ में भी ना चिपके, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब काम करने के लिए डो बिल्कुल तैयार है, और हमें इस तरीके से अपने हाथों को भी बिल्कुल साफ़ कर लेना है, जिससे कि हम जो भी काम करें उसमें एक फिनिशिंग आए। और इस डो को हमें एक कपड़े में, कोई भी कपड़ा हो कॉटन का, उसमें हमें रख देना है रैप करके। अब हम थोड़ी सी डो लेंगे, उसकी एक लोई, ये जो वॉल पुट्टी की शीट बनाई है इसको हमें बॉटल के ऊपर रखना है और उसको रैप करना है कि अच्छे से बॉटल पर चिपक जाए। उसके लिए हमें पानी का यूज़ करना है। इसी तरीके से हमें और भी शीट्स बनानी है और इस बॉटल को हर तरफ से रैप करते जाना है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि पानी के अलावा हमें और कुछ भी यूज़ नहीं करना है, केवल और केवल पानी से ही इसकी फिनिशिंग करनी है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं जो जो भी कर रही हूँ आपको भी वही सेम स्टेप्स फॉलो करके इस पेंगुइन को तैयार करना है। अब इस बड़े वाले पेंगुइन में एक लेयर चढ़ चुकी है, तब तक हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने रख देंगे। ये जो बेबी पेंगुइन है, अब हम उसमें भी इसी तरीके से एक लेयर चढ़ा देंगे। अब हम बड़े वाले पेंगुइन में सेकंड लेयर चढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमें लगता है ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत है, वहाँ पर हम और क्ले का यूज़ करेंगे। और ध्यान रहे कि उसकी मिक्सिंग केवल पानी से करनी है, यानी कि उसमें स्मूथनेस केवल पानी लगा करके लानी है, फेविकोल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अब पुट्टी की एक थिक शीट बना के लंबाई में से हम पेंगुइन के पंख बनाएंगे और उसको पानी की सहायता से थोड़ा सा स्मूथनेस लाएंगे, उसमें उसके साथ मिक्स करेंगे ताकि वो अच्छे से उसके चिपक जाए। इसी तरीके से हम छोटे वाले पेंगुइन में भी सेकंड लेयर चढ़ाएंगे और उसको मिक्स करेंगे। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही हमें छोटा पेंगुइन भी तैयार करना है। जब तक दोनों पेंगुइन में लगाई हुई वॉल पुट्टी सूख रही है, तब तक हम दोनों के ही पैर रेडी कर लेंगे और उनको सूखने के लिए रख देंगे। क्ले का काम करते वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हमारे हाथ ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हमें उन्हें पानी से वॉश कर लेना है, ताकि हमारे वर्क में फिनिशिंग भी आए और हमारा वर्क सुंदर भी दिखे। अगर पेंगुइन में कहीं अनइवन सरफेस दिखती है तो वहाँ पर हम थोड़ी और वॉल पुट्टी का यूज़ करते हुए उसको स्मूथ करेंगे, एकसार करेंगे।
पेंगुइन के जो पैर बनाए थे वो अब सूख चुके हैं, उसमें हम थोड़ी सी क्ले लेंगे और पेंगुइन को उसमें रख के उसको क्ले की सहायता से उसमें चिपका देंगे। पेंगुइन में लगी वॉल पुट्टी सूख चुकी है, जिसमें कि लगभग एक दिन का वक्त लगा। अब हम एक सैंडपेपर लेंगे और उससे पेंगुइन की सरफेस को स्मूथ करेंगे। सरफेस की स्मूथनेस के बाद अब हम पेंगुइन में फैब्रिक कलर का यूज करेंगे और ध्यान रहे कलर फैब्रिक ही लेने हैं, क्योंकि इनमें एक अलग ही शाइन होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें उनके जो रंग होते हैं वो अलग ही खिल कर आते हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाले पेंगुइन में भी कलर करेंगे। अब आगे का वीडियो आप एंजॉय कीजिए, ध्यान से देखिए कि इसमें कैसे कलर किया गया है। आप चाहें तो जब आप पेंगुइन बनाएं तो उसमें कुछ अलग तरीके की कलर स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें।
ये पेंगुइन अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो देखा आपने कि पुरानी बॉटल्स को यूज करके हमने कितने प्यारे से डेकोरेटिव पीस तैयार कर लिए। नहीं तो ये बॉटल्स ऐसे ही फेंक दी जाती और किसी यूज में भी नहीं आती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ही इसको अपने घर में ट्राई करें और अपने घरों को इसी तरीके से सजाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।